बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करेगा, वीडियो को पूरा देखेगा। आमिर के दोस्त मेरे चैनल पे नया है तो फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंस्टा पे भी मेरा पेज है इसी नाम पे, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो टाइम जनाब हो गया पूरे 2 बजे का। तो फिलहाल जो है ना, मैं और अरमान अली जो है ना घर अकेले हैं, सब अपने अपने कामों पे निकले हुए हैं। तो अम्मी जी और जो है ना अहमद की मामा, वो गए हैं बाजार, थोड़ा सा काम था घर का, सामान लेके आना था, वो जो है ना लेने के लिए गए हुए हैं। तो मैं जो है ना जनाब बैठी हुई थी वेली, अपनी जो है ना वीडियो अपलोड की है 1 बजे, और मौसम जो है थोड़ा बारिश वाला बन रहा है, लग रहा है मूड बादल ही मेरे ख्याल में बनेंगे, बारिश तो नहीं आएगी। मैं जाने लगी थी छत पे, वो जो है ना जा रूह बनाने के लिए ऊपर डाली, मैंने कहा ले आती हूँ। फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, सूरज बार बार जो है ना कह लें कि क्या कहते हैं पंजाबी में, चातियां मार रहा है, तो जो है ना कोई फायदा नहीं होना, लेकिन इसे आने का ऊपर ही रहने देते हैं। तो वेले बैठ के जो है ना बोर हो रहे हैं, वेले बैठ के जरूर बोर होने जो हमारा काम है, यानी कि घर के काम ही करना, तो वही जो है ना हम शुरू कर लेते हैं, साथ साथ जो है ना आपके साथ भी शेयर करते हैं। बोलो अब क्या हुआ है? मैं जरा सा अंदर से उठ के बाहर आऊ ना, ये जहां भी सोई होती है ना, किधर गई हो अब? इधर ढूंढ रही हूँ, वो भाग गई है। पहले जो ना इधर बैठी हुई थी, तो जो है ना आके ये शोर करने लग जाती है। फुल नींद में सोई हुई थी अंदर, मैं उठ के बाहर आई हूँ, वहां सुन के बाहर आ गई है, तो सुसू करने लगी है अभी वहां पे बैठ के। आपको पता है जनाब, गर्मियां जो है तकरीबन खत्म हो ही रही है, हो कहाँ रही है, एक दिन होती है खत्म, फिर जो है ना आके बता देती है कि अभी जो है ना मैं जान नहीं छोड़ी, थोड़ा सब्र करें, एक डेढ़ मंथ रुक जाएं, फिर जो है ना आपकी जान छोड़ूंगी। तो जाहिर है जिंदगी रही तो आनी ही है सर्दियां आ रही हैं, तो जाहिर है आपको पता है सर्दियों में जो है ना गेहूं की बहुत सी जो है ना साथ साथ सौगात भी आनी है, जो कि सर्दियों में जो है ना आती हैं, बनाई जाती हैं, फिर खाई जाती हैं। आपको पता है इन दिनों तो जो है ना धान की, चावलों की जो ना फसल लगी हुई है, और मेरे ख्याल में तकरीबन वो भी अभी रेडी होने वाली होगी, दरमियान में पहुंच गई हुई है। तो जो है ना बाजू मेरा ये वाला थक गया बाल बाल करके, तो चावल की फसल काश्त करने के बाद जो है ना आपको पता है फिर जो है ना वो भैंसों के लिए वो चारा जो है ना उगाया जाता है, बोलते हैं उसे उर्दू में, मुझे उसका कुछ नहीं पता नाम, तो उसका मुझे नहीं आता उर्दू में क्या क्यों उसे कहते हैं, लेकिन हाँ हमारी जबान में जो है उसे सटाला कहते हैं वो चारा। कहाँ से फिर क्या है है? तो जो है वो लगना है, और साथ में जो है वो सरसों भी लगाई जाती है, और साग, जिसने हमारा सर खपा देना है सर्दियों में, साग 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 साग, कुछ भी नहीं है पकाने के लिए तो साग ले आते हैं, होना भी अपने खेतों में। तो उससे पहले जनाब सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई, बस रात को सर्दी होती है, वो जो है शबनम पड़ी होती है, तो उससे जो है थोड़ी सर्दी फील होती है बाहर, और बाद में जो है सुबह सुबह उठ रहे हैं ऐसा लग रहा होता है जैसे गला थोड़ा खराब हो गया, या फिर जो है ना जुकाम हल्का हल्का फील होता है सुबह सुबह उठ के, क्योंकि उसके बाद जो है फिर सेट हो जाता है। तो अभी तो टाइम हो गया 2 बजे का, और सुबह सुबह जो है ना अभी अम्मी जी नाश्ता बना रहे थे, अब मुझे खुद भी फील होने लग जाता है कि मैं बड़ा बोलती हूँ, चप्पड़ चप्पड़ करती हूँ वीडियो बनाते बनाते, अब मुझे ये नहीं कहना बड़ा बोलती हूँ, सही है बस जैसा बोलती हूँ ठीक है, सुन ही लेते हैं ना आप। सुबह सुबह का टाइम था, अभी अम्मी जी नाश्ता बना रहे थे, तकरीबन 6:30 या फिर 7:15 बजे का, तो बाहर से आवाज आती है साग आ गया, देसी साग पता नहीं कितने रुपए किलो। अम्मी जी बैठे हुए थे यहाँ पे, अम्मी जी ने बगाया अहमद की मामा को, जाओ लेके आओ साग, हमारे मोहल्ले में ना 1-2 दिन पहले 2 घरों ने बना लिया, तो अम्मी जी का दिल कर रहा था कि हम भी बना रहे, तो मुझे इतना गुस्सा, मैंने कहा अभी सर्दियां आ ही रही है तो ये साग वाले भी आ गए। अम्मी जी ने बगाया तो सिस्टर जो है लेके आई, मैं दिखाती हूँ अभी आपको, यहाँ भी पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ रखा हुआ है, बाहर जाके आपको दीदार करवाती हूँ साग के, ये चेक करें, मेरे ख्याल में 2 किलो लिया था, ये नहीं मुझे पता कितने का लिया है, अभी आते हैं ना अम्मी जी वापिस पूछते हैं। और ये मेरे ख्याल में ना सरसों का साग नहीं होता इस मौसम में, कोई और ही पता नहीं तोरी कह रहे थे क्या चीज कह रहे थे, अगर आपको पता है तो बताइएगा, ये वो साग है। तो मैंने कहा वेली बैठी हुई हूँ तो जो है ना अम्मी जी के वापस आने तक जो है बनाती हूँ, आपको पता थोड़ा टाइम लगता है साग बनने में, 2 बज गए हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मैं काटती हूँ, साथ पालक भी है, इतना सा वजन भी उठाया जा रहा है, तो अभी अंदर बैठ कर पंखे के नीचे, तो अरमान अली और मैं जो है ना ये बनाते हैं। अरमान पकाओगे मेरे साथ साग हैं? किधर जुती नानो दी टूटी या सीधी करके रख ना, चल आजा आजा काम करिए, तो दाबे पै गए नानी ध्यान दें तक। साग रखते हैं जनाब यहाँ पे, यहाँ बैठ के जो है ना बनाते हैं इसे, ये साथ में पालक और ये साथ में नमूने,
साग और पालक मैंने यहाँ पे ला के रख ली है, तो पहले तो मैं अकेली थी, अभी हम जाए मैंने कहा थोड़ा सा बना लेते हैं वीडियो। तो ये साग जो है ना मैं बता रही तोरी तोरी का, तो जो साग हम बनाते हैं ना सरसों का उसकी गंदले होती है वो छिली जाती है, लेकिन ये जो है थोड़ी सफेद है ये पकाने वाली नहीं है। तो पहली दफा ये वाला साग में बना लेना, जो देखते हैं कैसा बनता है। मेरी बस पत्ते वगैरह काट के बनेगा, गंदे गुंदे तो इसकी जो है इसकी शादी करवाई नहीं है, तो फटाफट से कर लेते हैं। अहमद भी जो है स्कूल से आ गया, देखना है इसने आते ही पूछना मामा किधर है। सलाम किसने लेनी थी हैं? सलाम नहीं ली, किदी मामा हैं? एवं साग कर दी पई तेरी मामा दे मदा किथे दवाई लेन गए झूठ किथे ना खराब कर। साग मैंने यहाँ पे काट लिया, बस पालक रह गया और अम्मी लोग भी जो है ना वापिस आ गए। अम्मी किन्ने रुपए वाला किलो लिया ही साग है सुबह? सरू तरह का मासा भी नहीं बस साग वास्ते बीज देने के सरू बाहर साग मतलब के जो सरू बनती है तेल शीर वास्ते वास्ते बीज देने। बाकी गऊ वाले तो पता ही होना, कमेंट करके दस के पता के नहीं। मैं ते पहली बारी जरा ना सुनिया गऊ च रह के भी बनान भी पहली बारी लगे है वाला साग तोरी दा। अम्मी जी लेके आई यही घर का सामान, मैं कह रही थी ना ये दे की बड़ी वजनी मां जी एनू की कही देर मान और आंदा है। अच्छा डोलू भी अरमान और आंदा है सही। टिफिन अहमद दा चेक करवाओ, अहमद दा टिफिन भी आ गया जी प्यारा। अरमान भाई अहमद का टिफिन देख लो, स्कूल जाए ना इतनी चीजें मिलती हैं। वर्दी मैं क्या मैं है? ला वर्दी है मामा कि गई मैं आई निकल गया उठा जी कबड्डी खेल के आंदा स्कूल। ये चेक कर रही जी हाँ बेच अलग सालन वगैरह रखने वास्ते। ये स्पून अगे भी तो ही एक बारी इस तरह की लई ही वड्डी बहुत वड्डी ही इना बेच कौन तार कर दे हुन सही। ये दूध निकालने के लिए ये रख दो, ये भी धो के ना फिर देंगे भाई को। बाकी जो घर कसमान कहे थे ना वो इसी तरह का जो है ना ये चादरें वगैरह वो सर्दियों के लिए रजाइयां जो होती हैं उनके लिए कवर वगैरह जो है ना वो लेके आने थे मेरे ने, तो वही जो है ना स्पेशली लेने गए थे। बाकी ये चारपाई बनवाई है उसके लिए, ये वान जिसे कहते हैं वान, ये इस कलर का गोश्त वाला शापर जो है ना गुम हो गया मुर्गी दा हाजे अच्छा मिल गया लब गया शापर में रख दिया वा दूसरे शापर में। मेनू चंगा पता हुंदा केरा सही केरा नहीं, सही प्यारा डिजाइन। पानी जो है ना रख दिया आग चला के चूल्हे पे गर्म होने के लिए, पानी जो है ना यहाँ पे गर्म है फुल, पानी गर्म हो गया। साग ले आई हूँ पास, पानी भी ले आई हूँ, तो यहाँ ही जो है ना वाश कर करके ना, तो देखने से साफ लगता है लेकिन साफ तो नहीं ना होता, तो धो के ना तो फटाफट से जो है डाल देते हैं। हाँ जी कवा जो है ना बोल रहा था आगे कह रहा फटाफट बनाओ। साग धो के डाल दिए, साथ थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और ढक्कन दे देते हैं। पहले इसको एक तो उबाल आने देते हैं, उसके बाद जो है ना पालक फिर धो के डालेंगे। टाइम हो गया 4:15 का, सूरज जनाब ये रहा सामने और साग जो है ना हमारा यहाँ पे उबलने लग गया। पालक मैंने धो के पास रख लिया, तो अभी जो है ना पालक डाल देते हैं। अब
अभी ढक्कन देते हैं बस। अब काम है हमारा देच के नीचे बस जो है ना आग लगाते रहना, बाकी देखते हैं कितने टाइम में जो है ना साग बनता है। टाइम तो लगता है ये साग बनने में, अभी 4:15 हुए हैं। साग जनाब हमारा बन गया हुआ है, मोहल्ले से जिसने लेके जाना था ना वो भी ले गया। मैं जो है ना अभी खाने लगी, रोटियां बन रही हैं। पहले मैं बना रही थी रोटियां, अभी जो है ना सिस्टर बना रही है। पूरी रेसिपी डिटेल के साथ मैंने नहीं शेयर की क्योंकि सारी सर्दियां आपको पता है साग ही बनाना है और शेयर करते रहेंगे आपके साथ।